अयोध्या में आज आस्था का एक और अध्याय लिखा गया। जब पूरा देश राममय हो रहा था, राम नवमी पर श्रद्धा की धाराएं फूट रही थी, तो राम की नगरी अयोध्या में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन कर रही थी। अनोखा दृश्य था ये। और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की रैली से जय श्री राम का घोष कर रहे थे। रैली समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैपटॉप पर अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए और उसके बाद ट्वीट भी किया। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नलबाड़ी में थे और 500 वर्ष बाद अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक पर अपनी आस्था इस तरह से उन्होंने व्यक्त की। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान। ये चुनाव का सीजन है, सिर्फ एक दिन बाद लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान होगा। राम मंदिर इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। राम नवमी पर बीजेपी के विभिन्न दिग्गजों की आस्था से भरी प्रतिक्रियाएं सामने आई। राम का जन्मदिन 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई, हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु पे, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए
हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए। अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना, और इसीलिए कह रहे हैं। एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं, कहते हैं राम तो सबके। नितिन गडकरी की भी प्रतिक्रिया आई, हम आपको दिखाते हैं। ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है, और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है, और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे, और इसीलिए रामराज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम रामराज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। तो ये सूर्य तिलक के तीन कैमरों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम नवमी के पावन पर्व पर अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक हुआ रामलला का, और उनके ललाट पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ी। तीन तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, जब ये सूर्य तिलक हुआ अयोध्या में, रामलला का सूर्य तिलक हुआ है। 4 मिनट तक मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें पड़ी हैं। मुद्दों का मैदान, महाप्रभु का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।